सलमान के बीच बड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। शो में सलमान, पवन और बाकी कंटेस्टेंट के सीनियर हैं। सीनियर बने सलमान शो में अपना रुतबा जमाना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनकी टीम का कंटेस्टेंट विनर बने और एक बार फिर उनकी वैसे ही वाहवाही हो जैसे इंडियन आइडल 10 के खिताब जीतते वक्त हुई थी। वो सुनना चाहते हैं कि सलमान सिर्फ अच्छे सिंगर ही नहीं है बल्कि प्रैक्टिस कराने में भी विनर है। लेकिन शायद यहाँ सलमान टिक नहीं पाएंगे क्योंकि उनके सामने पवनदीप अकेले ही नहीं बल्कि उनके साथ अरुणिता भी हैं। पवन अरुणिता एक होकर यानी अरुदीप होकर अपनी ही टीम के कंटेस्टेंट को विनर बनाएंगे। फिलहाल तो ये वक्त बताएगा कि पवन या सलमान कौन यहाँ रुतबा जमा पाएगा। आप भी बताइए कि आप सलमान या अरुदीप की टीम की तरफ हैं। आपको बता दें पवन की टीम के शुएब अली ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उनकी परफॉर्मेंस से एक बार फिर सभी जजेस और जनता खुश हो गई। शुएब अली की सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही हो रही है और उनकी वीडियो खूब वायरल हो रही है। अभी तक पवन अरु के कंटेस्टेंट का नाम ही सुनने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या सलमान का क्या हुआ, क्या वो अभी से पीछे होने लगे हैं। सोनी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर 2 के छोटे सुपरस्टारों ने न सिर्फ जजेस अलका याग्निक, जावेद अली और हिमेश रेशमिया और कप्तान पवनदीप राजन, अनिता कांचीलाल, मोहम्मद शायली और सलमान अली का दिल चुराया बल्कि उन्होंने अपनी सुरीली आवाज और क्यूटनेस से लाखों दर्शकों को भी अपना दीवाना बना दिया है। इनमें से सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली पंजाब की 10 साल की समायरा महाजन है। उनके गाने ने सबको अपनी तरफ खींच लिया। समायरा ने मैंने प्यार किया गाने पर एक कमाल की परफॉर्मेंस दी थी जिसके बाद सभी को पता चला कि समायरा को स्टेज से डर लगता है। तब मंच पर मौजूद सभी लोग कुछ देर के लिए दंग रह गए। उनकी स्थिति को देखते हुए कैप्टन अरुणिता जो समायरा की टीम को लीड कर रही हैं, वो उनकी मदद के लिए आगे आई। आपको बता दें अरुणिता खुद भी कभी कोई इसी तरह के डर से गुजरा करती थी और बतौर कप्तान उन्होंने समायरा का स्टेज का डर निकालने के लिए और उनके मन में आत्मविश्वास जगाने के लिए एक अलग ही योजना बनाई। अरुणिता जब समायरा को द कपिल शर्मा शो में लेकर गईं, जहां उन्हें बतौर मेहमान इनवाइट किया गया था, वहां मौजूद लाइव दर्शकों के उन्होंने अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस दिया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। अरुणिता कहती हैं जब रिकॉर्डिंग रूम में गाने की बात आती है तब समायरा खुद पर काफी भरोसा होता है, लेकिन जब मंच पर भीड़ के सामने परफॉर्मेंस की बात आती है तब वो घबरा जाती है और उसे लगता है कि कोई उनके गाने पर ध्यान नहीं देगा बल्कि उनकी खामियों पर ध्यान देगा और उन्हें नोटिस कर रहा होगा कि और क्या गलती निकालनी है। अरुणिता ने आगे कहा कि मैं चाहती हूँ कि समायरा का ये डर दूर हो जाए ताकि वो बिना किसी डर के मंच पर परफॉर्मेंस दे सके। इसलिए जब मैं उसे द कपिल शर्मा शो में ले गई तो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि सभी ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अरुणिता की इस हिम्मत के बाद अलका याग्निक ने भी उनकी तारीफ की और समायरा की तो खुद तारीफ हो रही है। समायरा अपने आइडल अरुणिता को मानती है। पवनदीप राजन, अरुणिता कांची ने लाइव आकर बड़ी अपडेट दी है। पवन अरु अपनी टीम के साथ जैसे ही जम्मू केनिया पहुंचे उन्होंने अपने फैंस को जानकारी दे दी। लाइव वीडियो में पवन अरु दानिश नजर आ रहे हैं, दानिश वीडियो बना रहे हैं और पवन अरुणिता बोलते हैं, हेलो नैरोबी, हम लोग आ चुके हैं और आप सबका इंतजार कर रहे हैं, आप भी सब लोग इकट्ठा हो जाएं, कुछ ही देर में हमारी परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। पवन अरु कहते हैं कि हम पहली बार इस जगह पर आए हैं, बहुत मजा आने वाला है लोगों से मिलने के बाद। पवन अरु दोनों कार में बिल्कुल करीब होकर बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस बीच पवन अरु का रोमांस भी दिखा। पवन बताते हैं कि हमारे कुछ कलाकार का मैं अभी सिर्फ हम और दानिश ही हैं, मतलब पवन अरु ने खुद को और अरुणिता को हम बोला। वहीं पवन अरुणिता के हाथ को अपने पैर पर रखते नजर आ रहे हैं। वो बातों बातों में अरुणिता का हाथ अपने पास रख लेते हैं और दोनों एक दूसरे से कार में बैठकर खूब बातें भी करते हैं। पवन अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर नैरोबी का एक वीडियो भी शेयर करते हैं। वो कार में अरुणिता के साथ बैठकर बाहर का नजारा दिखाते आ रहे हैं जिसमें केसरिया तेरा इश्क है पिया गाना भी प्ले हो रहा है। दोनों रोमांटिक अंदाज में नजर आए। वहां पहुंचते ही ये सब प्रैक्टिस में लग जाते हैं और रात के वक्त पवन अरु दोनों मंच पर साउंड चेक करते नजर आए। वहां ढोल बजाते भी दिखे पवन। पवन भांगड़े पर कमाल की बीट देते हैं। आसपास खड़े लोग पवन को देखते रह जाते हैं और अरुणिता तो पवन में पूरी तरह से खो जाती है। वेल, नैरोबी से इनके बहुत ही रोमांटिक और प्यारे वीडियो आने वाले हैं। जैसे ही हम तक पहुंचेंगे हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। वेल, आप इनकी वीडियो को लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
अरुणिता कांचीलाल के नाम में ही शहर टपकता है। तो सोचिए इनके आसपास रहने वाले लोग और इनके कांटेक्ट में रहने वाले लोगों का दिल कितना खुश होता होगा जब इनसे बात होती होगी। और पवनदीप राजन तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पवनदीप राजन इंडियन आइडल के ऐसे कंटेस्टेंट और अरुणिता कांचीलाल के ऐसे दोस्त हैं जो किसी भी लड़की से बात करने से कतराते थे, लेकिन आज पवनदीप बिना अरुणिता के कहीं जमते ही नहीं है। वो घंटों अरुणिता से बात करने के लिए तैयार रहते हैं और उनके साथ खूब मौज मस्ती भी करते हैं। और सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच से लगातार इनके रोमांटिक वीडियो भी शेयर होते रहते हैं। फिर से हम पवन अरु का एक रोमांटिक वीडियो सामने लेकर आए हैं जिन्होंने पवन के साथ अरुणिता की खूबी भी और ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल हुआ ये कि जब अरुणिता अपनी कंटेस्टेंट सैंतनी कांचीलाल को गाने की प्रैक्टिस करा रही थी तो पवनदीप उन्हें बड़े ही गौर से देख रहे थे। वाकई अरुणिता जिस तरह से 10 साल की बच्ची सैंतनी को सिखा रही थी उसे देखकर कोई भी इंसान इनसे सीखना चाहेगा और इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहेगा। अरुणिता कांचीलाल बच्ची को एक एक शब्द बोलकर बता रही हैं कि कैसे साफ साफ एक शब्द को बोलना है। सैंतनी नाम की कंटेस्टेंट अरुणिता के ज्ञान को कुछ ही मिनट में कैप्चर कर लेती है और वैसे ही गाना गाती है जैसे अरुणिता सुनना चाहती थी। और लड़की अरुणिता के सिखाए गाने को जब मंच पर गाती है तो पवनदीप और बाकी जजेस अरुणिता से नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे क्योंकि अरुणिता ने वाकई लड़की को कमाल की सीख दी है। अरुणिता में एक ये टैलेंट देखकर पवनदीप बहुत खुश हुए और जब अरुणिता बच्ची को सिखा रही थी तब भी पवनदीप छुप छुप कर अरुणिता को देख रहे थे। अरुणिता बच्चों के साथ कितनी मेहनत कर रही है वो बहुत पसंद किया जा रहा है। कल आप पवन अरुणिता की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच से एक और मजेदार और क्यूट वीडियो सामने आ गई। एक बार फिर पवन अरु की देखभाल करते दिखाई दिए। अरुणिता को बच्चों की तरह प्यार करते दिखे पवन। एक बार फिर इस वीडियो ने पवन अरु के फैंस का दिल जीत लिया। आपने अब तक सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर पवन अरु का वो रोमांटिक अंदाज देखा होगा जो मेकर्स ने करवाया, लेकिन इस बार बिना मेकर्स के ही पवन अरु को रोमांटिक अंदाज में देखा गया। सबकी नजर हटी और पवन अरु एक दूसरे में खो गए। दरअसल सुपरस्टार सिंगर 2 के मेकर्स को टॉप 15 सिंगर्स मिल चुके हैं। ढेर सारे कंटेस्टेंट में से 15 कंटेस्टेंट को सेलेक्ट कर लिया गया है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सेलेक्ट कंटेस्टेंट के साथ पवन अरु ने इस वीडियो में 4 चांद तब लगा दिए जब पवन अरु बाकी कैप्टन और जजेस इन सेलेक्टेड कंटेस्टेंट के साथ सेल्फी लेते दिखे। फोटो शूट करवा रहे थे तो अरुणिता बच्चों की तरह बीच में बैठकर फोटो शूट करवा रही थी। अरुणिता को बच्चों ने घेर लिया था और फिर वो घिरी सी महसूस करने लगी, जिसके बाद वो भीड़ से निकलकर बाहर की तरफ देखने लगती और जहां उन्हें पवन दिखते हैं वो वहां खड़ी हो जाती हैं। कहीं ना कहीं अरुणिता ने जब अपने पास के लोगों को देखा उन्हें पवन दिखे नहीं तो वो वहां से हटने लगती हैं और वहाँ ही खड़ी हो जाती हैं जहाँ पवन खड़े होते हैं। पवन भी अरुणिता को देखकर खुश हो जाते हैं और उनकी पीठ पर हाथ रखकर उन्हें पास लेकर आते हैं, फिर बच्चों की तरह फोटो शूट करवाते हैं। वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से अरुणिता के कंधे पर हक से हाथ रखकर पवन भी फोटो शूट करवा रहे हैं। आपको इनका ये रोमांटिक वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।